कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जाए, पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। वाह बेटा, कितना डरते हैं पाकिस्तान से कितना घबराते हैं पाकिस्तान से कि इनके हवासों पर हर वक्त पाकिस्तान सवार है। औकात याद कराऊं, पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा है, बात ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानीज कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होती है। मजलूमियत करके ढोंग रचाता है, सब जानते हैं। और भारत खित्ते का जिसने कहते हैं चौधरी, तुम यहाँ के चौधरी हो, ठेकेदार हो, ये खित्ते का ठेकेदार या चौधरी बनना चाहते हैं, लेकिन इसका ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। अरे मेरी जहरीली दोस्त फिजा, ये सब बातें छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए जो सस्ता आटा भेजा था वो तुम्हें मिला या नहीं? नहीं। या बीच रास्ते में शहबाज शरीफ ही खा गया? ये कौन हम सब से पूछती है कि इसके बावजूद हम आज भी क्यों रिंग रहे हैं। और रही बात खित्ते के चौधराहट की, तो पता नहीं तू कौन से खित्ते की बात कर रही है, लेकिन फिजा तेरे खित्ते का चौधरी हर भारतीय है। बोलो किटकैट्स, आप फिजा के खित्ते के चौधरी हो या नहीं हो? हाँ भाई हाँ। देख रही हो फिजा, तेरे खित्ते के कितने चौधरी हैं। फिजा तेरे खित्ते पर भारतीयों ने चौधराहट शुरू कर दी ना, तो सोचो तेरे खित्ते का क्या बनेगा। समझ रही हो? समझ रही हो? कार अली भुट्टो शहीद बेहतरीन आदमी था, मर गया माँ। हाँ तो भाई साहब, मिलिए एक ऐसे जाहिल से जिसके मुंह में आंत नहीं, पेट में दांत नहीं, खाने को रोटी नहीं, लेकिन बातें किसकी कर रहा है? परमाणु बम की। आप हमें बताइए ना। और आपको पता है ये बंदा भाई साहब चूहे मारने की दवा बेचता है, चूहे मारने की। इसको रोटी की नहीं पड़ी, इसको परमाणु बम की पड़ी है। आलम इस्लाम को जैसा लीडर दोबारा मिलेगा भी नहीं। क्या कारनामा किया था भुट्टो साहब ने? क्या कारनामा किया, जरा सुनिए। भुट्टो साहब ने हमें एटमी रिएक्टर लगा कर दिया। अच्छा, जिसकी वजह से हम आराम और सुकून से यहाँ पर जिंदा है। ब्यूटीफुल, आपने तो यही चूहे मार गोलियां भेजी भाई। वाह वाह वाह, एटमी रिएक्टर का आपको क्या फर्क पड़ा या मुल्क की इकॉनमी को क्या फर्क पड़ा? उसे मुल्क की इकॉनमी के बारे में मैं नहीं जानता, शाबाश। बाकी ये जानता हूँ कि मुल्क की दफा के लिए वो नाकाबिल। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं, एक बच्चा भी बताएगा कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है। हक दिया, हक दिया, नकाबले तस्वीर है। अभी पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन पाकिस्तान के पास रोटी नहीं है, आटा नहीं है। हाँ जी, आटा रोटी जरूरी है या एटम बम जरूरी है? एटम बम जरूरी है, आटा रोटी। हजार साल हम घास खाएंगे लेकिन कश्मीर को आजाद कराएंगे। आखिर क्यों? आज मैं उस मुकाम पे खड़ा हूँ जिसे हजरत कायद आजम ने कहा था। कायद आजम से मेरे अजीजम वतनो, बहन के कुछ और माँ से लौड़ो। आपने देख लिया है कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या माँ चुदी है। आपको महंगाई के हाथों इतना चौदा गया है कि आप चिल्ला भी नहीं सकते है। मेरे दौर में जो माँ के लौड़े बहुत उछलते थे, आज वो किधर गांडू किधर गए हैं। मैं जल्द मुल्क आके आपको आजाब जरदारी से बचाना चाहता हूँ। मेरा साथ दो वरना लन पे चढ़ो। मुल्क की माँ चुद रही है और उसको बचाना तुम्हारा फर्ज है। जागो, क्या गांड मरा के सोते ही रहोगे? नहीं, आप शाम को जब घर जाएंगे, बच्चे आपको पूछेंगे जी आज आप क्या लेके आए, आप बोलेंगे मेरे पास एटम बम है हमारे मुल्क के पास, या आप बोलेंगे जी मैं आज आपके लिए रोटी लेके आया? पेट भरने के लिए एटम बम की जरूरत है। क्या क्या बोलो? पेट भरने के लिए एटम बम की जरूरत है। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाओ आधा पाओ का भी बम है। The next day. भिकारी जो है खैरात मांगने के और कुछ काम नहीं करे। Congratulations. और उस पे नजर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कोई ऐसा वजीर आजम आया जिसने मुल्क की इकॉनमी को ठीक किया हो, पाकिस्तान के अंदर कारोबार चला हो, रोजगार अच्छे मिले हो, वो अच्छा लीडर है, या जिसने एटम बम बनाया वो अच्छा लीडर है? ये बताए पहले। जो लोगों के घरों में दो वक्त की रोटी नहीं है, वो रोटी उनको मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई इस तरह का लीडर नजर आ रहा है आपको पाकिस्तान?
कोई नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने वोट भी नहीं डाला। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कि मुल्क की इकॉनमी को सीधे रास्ते पे लाने वाला कोई भी नहीं है इनमें। लेकिन एक सेकंड, मुल्क की इकॉनमी के बारे में मैं नहीं जानता। कौन है जाहिल? हमारे मुल्क में जिसका हक है ना, वो उससे छीना जाता है, ये हम देखते हैं 70 सालों में। मेरा हक है वो मुझसे छीना जाएगा, इसी तरह इमरान खान के साथ भी होगा, क्योंकि वो जीते जरूर हैं, हुकूमत इन लोगों ने उनकी बनने नहीं देनी। इसकी क्या वजह? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इलेक्शन जो भी हुए हैं वो समझते हैं कि फ्री एंड फेयर हुए हैं, दांतली नहीं हुई। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं, ये फ्री एंड फेयर ना होते तो इमरान खान ना जीतता। तो रात को नवाज शरीफ हार रहा था, सुबह वो जीत गया, ये नहीं आपने देखा? नहीं, मैंने ये भी देखा है कि मानसहरा में नवाज शरीफ हारा है, अगर वर्दी वाला उसके साथ है तो वो हारा क्यों है? ये गलत है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी को दी है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे दी? उनके पास निशान भी नहीं था। यहाँ पर जो पीटीए का निशान दिए है उनको, ये है एक निशान नहीं, उनके पास कई निशान थे। आप किसके साथ हैं? आप इमरान खान के साथ? मैं खुदा के साथ हूँ, किसी सियासतदान के साथ नहीं हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको वैसे क्या नजर आता है, कुछ होप है, उम्मीद है, या वैसे ही रहेंगे हालात? उम्मीद तो सर हम जो है पाकिस्तानी को बस उम्मीद पे जिंदा है। जान मोहम्मद जमाली आप जानते हैं उनको? उनका मैंने बयान सुना था जब धमाके हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनके पीछे जो है वो भारत है। इस तरह कोई है कि इंडिया यहाँ से उधर से आकर हमारे मुल्क के अंदर धमाके कराए, या ये कुछ और लोग हैं जो ये अफरा तफरी जाते हैं मुल्क? इस बारे में हमें कुछ नहीं पता, ये तो अभी फोर्सेस को मालूम होएगा कौन है। बहरहाल हम मुजम्मत करते हैं इस चीज़ की, मस्जिदों में रोडों में धमाके होते हैं, गरीब मरते हैं, इस चीज़ की मुजम्मत करते हैं। मुल्क में अमन होना चाहिए, अमन होएगा कारोबार होएगा, कारोबार होएगी मैशियत हमारी ऊपर जाएगी, तरक्की करेगा मुल्क। मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत है इन गरीबों के बारे में सोचे जो दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। पूरे पाकिस्तान के हालात ऐसे ही है, जो 5 साल के लिए आता है वो खाता है, अपनी जेबें भरते हैं वो चले जाते हैं, कोई लंदन चले जाते हैं, कोई बाहर चले जाते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जीत जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये तो 70 सालों से चलता आ रहा है। गैस बलूचिस्तान की है लेकिन मिलती नहीं, मिलती नहीं है हमें, और मदनियात बलूचिस्तान की है मिल नहीं रही हमें, तो उसके बारे में गवर्नमेंट तवज्जो दे। अभी जो भी नई गवर्नमेंट बने। क्या करते हैं आप? हम वेले काम करते थे। काम नहीं है कोई? काम कोई नहीं, हमारा वोट दिया आपने किसी को? नहीं, वोट नहीं, मेरा हमारा शादी का फोन था, हमारे बजट में टच है 25,000 रुपया, वो किसी ने निकाल लिया। ये कट गई आपकी? हाँ जी, 4-5 दिन हुए हैं। समझते हैं कुछ बेहतर होगी इंशाल्लाह, वो तो अल्लाह ही जानता है बेहतर हो सकती है कि नहीं। आपको क्या लगता है? हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता आपको? ऐसे ही रहेंगे हालात? ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं होता कि हमारा कोई इस तरह का लीडर हो जो मुल्क के लिए सोचे? इनको किसी के लिए कुछ नहीं है, अगर किसी के लिए कुछ होता तो आज पाकिस्तान एक नंबर पे होता। ये लोग मुसलमान तो हैं लेकिन नाम के मुसलमान हैं, इनको देखो सियासत की बात करते हैं, चाहे वो मौलवी लोग हैं या चाहे ये सियासतदान हैं, अल्लाह के रास्ते में कोई काम करने वाला है ही नहीं। ये था आज का वीडियो। एक तरफ ये पाकिस्तानी धमकी देंगे एटम बम की, और नेक्स्ट ही टाइम भाई साहब ये अपना रंडी रोना शुरू कर देते हैं। क्या करूं मैं इनका, खैर कुछ भी, वो अपना मनोरंजन तो करवाते ही हैं। तो ये है आज का वीडियो, और आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई।